संविधान पर विश्वास था 2014 से पहले कि पाकिस्तान भी थर थर कांपा, तो उसका कांपता हुआ जो है शरीर देखकर मोदी जी देश को बिना बताए देश का सारा प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ के बर्थडे में घुस गए और जाके बिरयानी चाटा है। देश में दो ही लोग हैं, एक मोटा भाई एक लोटा भाई, या तो धर्म बचाओ या बच्चों का भविष्य बचाओ। शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे आप बगल में देखेंगे यहाँ पे धरना चल रहा है पहलवानों का, लगभग 16 दिन पूरा हो चुका है और अभी तक इनके समर्थन में कोई भी न्याय नहीं मिला है। तमाम लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कलीम जी इस पे कि समर्थन सारे विपक्षी नेता यहाँ पे आ रहे हैं, खाप पंचायत से लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को कोई हिला नहीं पा रहा है। कैसे हिलाएगा? मोदी जी तो कहते हैं ये मेरा झूठ सबसे मजबूत, तो कोई हिला देगा? ये आप आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे? मैं हाँ? भाई साहब किसी के पास मोबाइल है? टाइप करो वर्ल्ड लायर पॉलिटिशियन, हाँ। अभी गूगल बता देगा। सब कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, आप भी बोलिए। मैं क्यों बोलूँ? नहीं बोलिएगा, हर हर मोदी बोलिए। तो ये आप बोलो ना, क्योंकि आपको फायदा। हम तो बोलते हैं, हमें तो पसंद है मोदी जी, 56 इंच का सीना है, मुसलमानों की चोरी चूरी टाइट, 56 इंच का सीना है, देश को बेच के जीना है पाकिस्तान। देश को बेच रहे हैं, अच्छा। मजबूत कर रहे हैं देश को। बिकने से अगर आपका घर, आपके घर घर है ना आपके पास, अगर आपका घर के नल बिक जाए, टीवी बिक जाए, फ्रिज बिक जाए, ठीक है ना, घर में घर की लाइट बिक जाए, तो आपका घर मजबूत रह जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 2014 से सबका साथ सबका विकास हो रहा है, उससे पहले हुआ था ऐसा विकास जितना अभी हो रहा है? 5G आ गया है। किसका साथ? सबका साथ, हम सबका साथ। सबका में मतलब कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, बृजभूषण शरण, इन्हीं का साथ ना, और विकास अडानी का। विकास अडानी का हो रहा है तो किसका हो रहा है? आपको 5 किलो राशन भी मिल रहा है, 15 लाख अकाउंट में भी आ गए सबके। एक बात बताओ, 5 किलो राशन देता हूँ मैं भी, मेरे पास तो इतनी कैपेसिटी है कि आपको हर महीना 5 किलो राशन दे दूंगा। आप ये माइक छोड़ के घर पे रहिए आराम से, क्या जरूरत है, 5 किलो खाइए। देखिए सवाल मीडिया जो मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं अभी। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जो असल मुद्दा जी, तो असल मुद्दे पे हम लोग आ रहे हैं। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। इन पे आरोप लग रहा है कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं, राज्यवाद कर रहे हैं। ये लोग एक जाति के लोग हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए आए हैं। अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पर ये जो बैठे हैं धरने में? ज्यादातर लोग हरियाणा से हैं। हरियाणा से? तो मेडल, ये लोग सब मेडल लाए नहीं लाए? जी लाए। उत्तर प्रदेश वाले क्यों नहीं लाए? महाराष्ट्र वाले क्यों नहीं लाए? बिहार वाले क्यों नहीं लाए? काबिलियत पे मेडल आता है मैडम, घूस दे के नहीं आता है। कह रहे इसके पीछे कांग्रेस वाले हैं, फंडिंग कर रहे हैं। तो मेडल कांग्रेस वाले लाते हैं क्या? फंडिंग मीन्स ऐसा धक्का देते भाई वजन उठा रहे हो तो कांग्रेस भी सपोर्ट कर देती है तो मेडल मिल जाता है, ऐसा कुछ है क्या? ये बताइए, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये लोग अपनी काबिलियत के दम पर मेडल लाते हैं तब हमारा देश का पूरे, मैं भी हूँ इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, सबका सीना चौड़ा होता है मैडम। हाँ तो ये बताइए, आज अगर ये परेशान है, आज इनको अगर कोई शोषण कर रहा है तो सवाल नहीं उठाना चाहिए? कह रहे थे इतने दिनों से ये लोग कहाँ थे, अचानक से आज यहाँ 12 साल की चीजें अभी तक बोल रहे हैं। 12 साल पहले तक कहाँ थे? इतने सालों से हो रहा था उत्पीड़न, तो पहले बोलना चाहिए था, पहले बोलना चाहिए थे। ये तो मोटा भाई भी बोले थे, ठीक है। मोटा भाई माने? मोटा, देश में दो ही लोग हैं, एक मोटा भाई एक लोटा भाई। मोटा भाई कौन, लोटा भाई कौन? लोटा भाई जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां घुमा दी थी लोटा में वोट बैंक के लिए। और मोटा भाई आपको पता ही है? बताइए नाम, बताइए। तड़ीपार। डरते हैं? तड़ीपार कौन? कोटने की गूगल निकालो भाई। अरे गूगल छोड़िए, आप बताइए। अरे सच्चाई उसी पर है, तड़ीपार कौन? क्या पता, तो आप यूं ही किसी को भी तड़ीपार बोल देंगे? क्यों ही, कैसे बोल रहा हूँ, दिखाऊं आपको? नहीं आप बताइए, आप चैनल पे दिखाओगे ना? हाँ, दिखाऊं। गूगल टाइप कर रहा हूँ। नहीं आप नाम बता दीजिए, सब समझ जाएंगे। मोटा भाई।
तो ये हमें नहीं पता इस ये किस मोटा भाई की बात कर रहे हैं, तरी पार बात कर रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। खैर ये लोग 16 दिन से यहाँ पे हैं, लेकिन इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। किनको? बेटियों को, न्याय जो तो है किसी को नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं, मुझे भी नहीं, अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, मैं देश का युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, न्याय तो मुझे भी नहीं मिल रहा है। तो न्याय किसको मिल रहा है? तो कानून पे भरोसा नहीं है? किसके? देश के कानून पे भरोसा नहीं है? देश के कानून पर? हाँ। संविधान पे विश्वास नहीं है? संविधान पर विश्वास था 2014 से पहले। उसके बाद क्या हो गया 2014 के बाद? अगर 2014 तक अगर संविधान जिंदा ना होता तो एक फर्जी चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन पाता? फर्जी चाय वाला जो अपने आप बताइए, मीडिया से हो ना, आज तक 2014 से अब तक कोई आया कि मैंने मोदी के हाथ की चाय पिए? पिए क्या? तो वो गुजरात में रहते थे, तो गुजराती तो आना चाहिए कि मेरे हाथ का चाय पिया हूँ मैं इसके। आप लगातार मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। क्यों लगा? 56 इंच का सीना, विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है, विश्व पटल पे जी, और नेपाल आके छाती पे फायरिंग करके चला जा रहा है। नेपाल? हाँ। चाइना थर थर कांप रहा है, पाकिस्तान भाग रहा है, मुसलमानों की चूरी टाइट कर दी है सबकी, और क्या? शंभु सिंह ने सिखाया? अरे वो छोड़, सवालों का जवाब दीजिए। यही बता रहा हूँ मैं आपको मैडम जी। हाँ। ये बताओ मुसलमान? नहीं नहीं वो सही कर रही है। आपने क्या पूछा? ये कट कर दो भाई। हाँ। आपने क्या पूछा? मैंने पूछा पाकिस्तान थर थर कांप रहे हैं, चाइना वाले अपने पीछे भाग रहे हैं, चाइना वाले थर थर कांप रहे हैं, विश्व पटल पे भारत नाम रोशन कर रहा है, मुसलमानों से खतरा था तो चूरी टाइट कर रहे हैं, लव जिहाद। मुसलमानों को मुसलमान से किसको खतरा था? हिंदुओं को खतरा था ना। अब मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि चीन थर थर कांप रहा है, वो साला उसको इतनी ठंड लग रही है, इतना कांप रहा है कि कांपते कांपते अरुणाचल प्रदेश में आ गया और 10 जगहों के नाम बदल दिया, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान भी थर थर कांपा, तो उसका कांपता हुआ जो है शरीर देखकर मोदी जी देश को बिना बताए देश का सारा प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ के बर्थडे में घुस गए और जाके बिरयानी चाट आए, ठीक है ना। तो इतना ये था। और क्या पूछा आपने? यही पूछा कि बेटियां यहाँ पे हैं और इन पे भी आरोप लग रहा है कि ये लोग झूठ। आपने मुस्लिम की चूड़ी टाइट बोली थी। मैं मुस्लिम हूँ। हाँ। मेरी कहाँ चूड़ी टाइट है? हाँ। बताओ। डर नहीं लगता? जेल जाएंगे आप? किससे? जेल तो गांधी जी भी गए थे। हाँ। जवाहरलाल नेहरू भी गए थे। हाँ। हाँ? कहाँ से फंडिंग हो रही है? किसको? आपको फंडिंग? मेरे को? मैं तो पूछू नेशनल दस्तक को फंडिंग कहाँ से हो रही, तो आप क्या कहोगे? आप बताइए आपको कहाँ से फंडिंग हो रही, इतना जो बोल पा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? बोलने के लिए एक तरफ कहते हैं संविधान नहीं है, दूसरे तरफ मुंह खोल के बोल रहे हैं इतना। मैं इसलिए भी नहीं डरता कि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ। वो कहता था कि गिदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर शेर का 1 दिन का मौत। तो मैं टीपू सुल्तान शेर तो मोदी जी को भी बोला जाता है। वो शेर थोड़ी शेरू है वो तो। मतलब शेर ही बोल रहा हूँ। हाँ। शेरू मतलब भी शेर ही होता है। हाँ, शेर मतलब। कभी कभी मैं मेरे बेटे को भी बहुत इससे बोलता जियो शेर जियो शेरू। अच्छा। तो शेर का मतलब भी शेरू ही होता है, है कि नहीं? शेरू मतलब कुत्ता भी होता है। कुत्ते का नाम शेरू कब से पड़ गया? पड़ता है, लोग रखते हैं। कुछ भी बोलते हो आप। मैं कुछ भी बोलती हूँ? हाँ, तो कुत्ते को कोई शेरू बोलता है क्या? गृह मंत्री बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आएंगे तो प्रधानमंत्री आएंगे, ये सबसे तो प्रधानमंत्री आएंगे ना, तो उनको कहिए या 2-4 कटिंग भी लेते आएंगे चाय की, आएंगे तो। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे ना? आएंगे ही, क्योंकि देखिए एक बात बताऊं कि हमारे देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो वो आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि अंधभक्तों को लगता है कि अगर कांग्रेस होती तो हम मर जाते कोरोना काल में। ये अधिकतर अंधभक्तों की ये सोच है। और वो ये भी कहते हैं तो वो आ सकते हैं दोबारा 24 में, इसलिए भी
क्योंकि लोगों को अब सच नहीं चाहिए। चुनाव जो है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर नहीं हो रहा है, अली बजरंग बली के नाम पर चुनाव। धर्म चाहिए, किसको चाहिए धर्म? हम सबको धर्म चाहिए। तो धर्म का नशा में मस्त हो तो कोई भी फायदा। राम मंदिर चाहिए और क्या, और उसकी सीढ़ियों पर हमारे बच्चे भीख मांगे बैठ के, क्या दिक्कत है? धर्म तो बचेगा, बच्चे तो नहीं बचेंगे। या तो धर्म बचाओ या बच्चों का भविष्य बचाओ। तो पहले धर्म एक बात बताओ, एक बात बता देता हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ। अगर मेरे लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में, तुमको जूते से मारूंगा, कि मेरा इस्लाम कभी खतरे में नहीं। तो हिंदू कैसे खतरे में आए? तो जो लोग बोलते हैं खतरे में, वो कौन लोग हैं? ये सब अंधभक्त है। मुस्लिम में भी अंधभक्त है, ये सारे अंधभक्त है। आपको मुसलमान भी पीटेंगे, हिंदू से भी पीटोगे, मुसलमान क्यों पीटेंगे? आप दोनों को बोल रहे हो अंधभक्त। हाँ, अपना धर्म बचाना अंधभक्ति है क्या? धर्म कौन बचा सकता है सिवाय अल्लाह के, सिवाय भगवान के? उसका धर्म वही बचा सकता है, इंसान नहीं बचा सकता। इंसान और भगवान में फर्क होता है, तो जूते से किसको पीटा जाएगा? ये बताओ अनुराग ठाकुर। देखिए, हमारा धर्म कहता है कि तुम अपने ईमान की हिफाजत करो, हमारे घर की हिफाजत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि तुम अपने ईमान की हिफाजत करो, हमारे घर की हिफाजत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो बताओ, हम धर्म बचा लेंगे? हाँ, साली अपने नौकरी नहीं बचा पा रहे, धर्म बचाने से लगे। बताओ नौकरी कैसे नहीं? पकौड़ा तलिए, क्या दिक्कत? कोई आदमी ना हो, पकौड़ा तलिए, आप भी तलिए, आप भी तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, तो आप भी तलिए, साथ दीजिए। हाँ, फिर तो आपको तो बनता है पकौड़ा बेचना। अरे, जब पढ़ा लिखा युवा पकौड़ा बेचेगा, और कोई अगर न्यूज एंकर आके बोले पकौड़ा बेचना एक रोजगार है, बोले हाँ हाँ सही है प्रधानमंत्री जी, ये आंकड़ों तो में बिजनेस नहीं है क्या? बिजनेस नहीं करेंगे पकौड़े बेचने का, तो क्या दिक्कत है? अरे, सब पकौड़े बेचने लगे तो खाएगा कौन, खरीदेगा कौन? तो मोदी जी जो बोले हैं पकौड़ा बेचने के लिए, उनको क्या कहेंगे? वो भगोड़ा है तो पकौड़ा की बात ही करेंगे। क्योंकि संसद में विपक्ष का जवाब देने से भागते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भागते हैं। भागते हैं, नहीं भागते हैं। मन की बात तो करते हैं, मन की बात बीवी से किया जाता है ना। बीवी से मन की बात बीवी से किया जाता है। उन्होंने तो बीवी छोड़ दी देश के लिए, देश के लिए छोड़ दी। तो अब उनके देश के नागरिक रख रहे हैं उनकी बीवी को। क्या बात करते हो मैडम आप, ये बात गलत है। देश के लिए बीवी कब छोड़ दी उन्होंने? मैं भी, अच्छा मेरी भी बीवी है, और मैं छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे भी वैसा फकीर बनाइए, बना सकते हैं आप? बनाइए। ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो 100 मतलब एपिसोड पूरा कर लिया है मन की बात, मन की बकवास का? एक वैसा तो प्रधानमंत्री ना हो तो अच्छा है। हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती अपने मन की बकवास सुनाए, और मन की बात जनता से ना, जनता से, जन जन की बात होती है। मन की बात बीवी से होती है। मैं रात में भी दिन भर घूमता हूँ ना कभी, और रात में घर पे जाता हूँ, तो हकीकत बता रहा हूँ मैं, मेरे दिल की बात। तो मैं, मेरी बीवी, जब हम खा पी के बिस्तर पे जाते हैं तो हम मन की बात करते हैं। मैं मेरी बता रहा हूँ। तो ये बात है मैडम, जनता से जन की बात होनी चाहिए। एक बात बताइए, यहाँ पे पीटी उषा को आप जानते होंगे, बबीता फोगाट, अनुराग ठाकुर, तमाम लोग कह रहे हैं कि इनको ये आंदोलन बंद कर देना चाहिए, ये अनुशासनहीनता है। अरे, तो शाहीन बाग वाला भी तो आंदोलन बंद करा रहे थे, ये गोपाल को भी भेज दिए थे, बाल गोपाल जो बंदूक लेके घुमा रहा था। तो कहने का मतलब है आंदोलन, और जब किसान आए तो उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी आंदोलन जीवी कहा था, ठीक है ना? अब बताइए कि किसान है हमारे देश के, किसान के बिना तो हम है ही नहीं, आप भी नहीं हो। किसान नहीं तो हम नहीं, तो किसानों के लिए तुम हाईवे खुदवा दिए, रास्ते में इतने बड़े बड़े किले गड़वा दिए,
तो ये कौन करता था? लेकिन आप एक तरफ देखिए, जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे अतीक अहमद जैसे अपराधी को मार गिराया जा रहा है, ढेर किया जा रहा है, अपराधियों की संख्या कम होती हुई दिख रही है और बेटी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। अब ऐसा ही रामराज लगता है पूरे देश में लागू होना चाहिए। वैसे अगर रामराज पूरे देश में लागू हो गया ना, तो कम से कम 5 करोड़ बबीता विनिवेश फोगाट और साक्षी मलिक जगह जगह धरने पर बैठ जाएंगी। देख ही रहे हो ना, अपराधी अपराध मुक्त हो गया, तो ये अपराधी कैसे, इसकी क्यों अपराधी तो बाहुबली है, 6 बार के सांसद तो अतीक भी तो सांसद था ना, वो भी बाहुबली था ना, वे अपने अतीक का नाम लिया तो वो भी तो बाहुबली था, वो भी तो माननीय था ना, इस तरह से मार दिया जाएगा तो भाई कानून का राज कहाँ है? तो आप कह रहे कानून नहीं है देश में? नहीं है, कहाँ है? मैं तो ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे हैं कानून, चराग लेके। तो आप एक तरफ से कहना चाह रहे कि संविधान खत्म हो चुका है, खतरे में है। खत्म क्या, आप बताइए, ये बात क्या, ये बात सच नहीं है कि वोटिंग के दिन हमारे प्रधानमंत्री रोड शो भी कर देते थे, कितनी बार किया है, तो ये क्या संविधान का? कुछ दिन इंतजार कीजिए, इनको भी न्याय मिलेगा, अभी प्रधानमंत्री बिजी है कर्नाटक चुनाव में, उनको आने तो दीजिए। अच्छा, प्रधानमंत्री हमने चुना था कि प्रचार मंत्री चुना था? सही बात है, ये बताओ। तो प्रचार प्रसार तो करना बनता है। कैसे बनता है, क्या किया है, क्या काम किया? आपकी उम्र कितनी मैडम, इफ यू डोंट माइंड सो प्लीज, 20 अबव होगा राइट? जो भी हो, वॉट एवर, 20 अबव होगा। इन 20 साल के आपकी जिंदगी में कोई ऐसा प्रधानमंत्री ढूंढ देखा है जहाँ निकाय चुनाव भी हो तो वहाँ भी पहुँच जाता है? देखा है क्या आपने? तो जाना तो पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा ना, हमने पहले ये भी सब तो काम प्रधानमंत्री किया गुजरे ना, इंद्र कुमार नहीं, लोगों को पता बताना तो पड़ेगा हमने क्या क्या काम किया, जैसे कि उन्होंने किया 370 धारा हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर मोदी ने बनवाई? ये आप लोग नैरेटिव फैला रहे हो। तो किसने बनवाई? कोर्ट ने, कोर्ट में बहुत कब से फैसला लंबित था वो ये बताइए, तो बनवाना होता तो फिर अटल बिहारी की भी सरकार आई 2002 में, 98 में भी थी, क्यों नहीं बनाया उस समय? क्या बात करते हो मैडम जी आप लोग, कुछ भी नरेटिव बनाते हो। अगर ये जबरदस्ती बनाते तो क्या वो बनवा लेते? अगर कोर्ट का फैसला ना आता तो बनवा लेते? आप बताइए हूँ क्यों गे? कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरीके का हो रहा है, अगर हिंदू राष्ट्र होता तो ऐसा नहीं होता। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में कुलदीप सिंह सेंगर मिलेगा, फिर चीन में आनंद मिलेगा, फिर ब्रजभूषण शरण मिलेगा, यही तो हिंदू राष्ट्र का मॉडल है। ये लोग बलात्कार करेंगे और इनके मित्र बिजनेस करेंगे। तो कुल मिला के आप मोदी जी पे सारा पर्चा फाड़ रहे हैं? मैं क्यों, अब एक बात बताइए, जब मैं घर का मुखिया हूँ और घर अगर मरम्मत सही से नहीं हुआ, कहीं कोना गिरेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? अरे तो ये ब्रजभूषण का, अब मेरी बात बता, जिम्मेदार कौन होगा? मुखिया होगा। मुखिया होगा तो मणिपुर जल रहा है, जिम्मेदार कौन है? वो भी तो हमारे देश का कोना है, अभी नंग है हमारा, जल रहा है नहीं जल रहा, कौन लेगा जिम्मेदारी बताओ? अभी देखिए, बजरंग दल को बैन करने की बात की जा रही थी और उसमें बोला गया प्रधानमंत्री के तरफ से बजरंग दल को बैन करने का मतलब है बजरंग बली पे प्रहार। वही तो कह रहा हूँ, बजरंग बली और बजरंग दल को आप एक मानते हो? मैं तो नहीं मानती। हाँ, अभी गूगल करोगे ना तो बजरंग दल के सारे कुकर्म अभी गूगल बताएगा। तो क्या आप फिर बजरंग बली को बदनाम कर रहे हो? तो मोदी जी जो कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? हाँ, मोदी जी इसलिए कह रहे हैं, इनके बहन बेटी की इज्जत जो है इनकी नज़र में जीरो है, शून्य है। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, पटाओ कहते हैं। वो तो जवान फिसल गई थी। अच्छा, तो अचार बेचवा भी तो रहते फोटो लगा के, वो भी फिसल गई थी जवान, ये बताओ। फिर वो कांकरिया में बोलते, वो कांकरिया लिखना नहीं आया, मर गई लेकिन कांकरिया लिखना नहीं आया, तो क्या आता है? ये मजाक उड़ाया नहीं,
यह है बेटी का सम्मान इनकी नजर में। तो आपको लग रहा है यहाँ पे आप जब से धरना चला तब से आप इनके समर्थन में, क्या लग रहा है कि तो कब आज तक? ही आए हूँ यार, जबरदस्ती आप बोल रहे हो जबरदस्ती। आप आज ही आए लेकिन समर्थन में तो है, समर्थन में आपको पता चला। भी देश के किसी भी नागरिक के साथ गलत होगा तो देश का कोई भी कोने में कोई भी हिंदुस्तानी होगा उसे दुख। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के अलग अलग कोने में, देश के अलग अलग कोने में हैं लेकिन वहाँ नहीं आ पाते, लेकिन समर्थन तो देते हैं। लेकिन आज आप यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है आपको ये देख के कि कब तक ये चलेगा? मुझे भी लगा कि मेरी बात रखनी चाहिए, गलत हो रहा है। कब तक न्याय मिलेगा? जिस तरीके से आप बोले संविधान है ही नहीं, भरोसा है ही नहीं, कानून है ही नहीं, तो कैसे इनको न्याय मिलेगा? कौन देगा न्याय? हमारे तो आए नहीं, ठीक है ना, पर मोदी जी को गलती भी नहीं देना चाहिए कि ये जनता है, हम जनता जो है वी आर अ फूल, क्योंकि इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे पर किसके आएंगे ये नहीं कहा था। अच्छा तो क्या लग रहा है इसको, इनको कब तक ये आंदोलन लड़नी पड़ेगी? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, कब तक लड़नी पड़ेगी? हाँ, कब तक इन लोगों को न्याय मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि जेपी नड्डा या गृह मंत्री या फिर क्या कहते हैं आपके प्रधानमंत्री मोदी अगर बोल देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो अभी अब क्या बोले उसके ऊपर बताइए, जब वो सुन ही नहीं रहे हैं किसी का। तो अभी मैं, मेरे से आप कुछ भी बोलो, मैं अगर सुनूं ही ना तो आप क्या बोलोगे उस पर? अच्छा बस दो मिनट में इसको खत्म ही कर रही हूँ। हाँ बस दो मिनट। हाँ बोलिए। जिस तरीके से जो बृजभूषण शरण सिंह सारा चीज जो है प्रधानमंत्री के ऊपर फेंक दिए हैं, बोले अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे, जेपी नड्डा बोलेंगे या फिर गृह मंत्री बोलेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, क्यों नहीं बोल रहे? तो इसका मतलब साफ है कि यही तीनों लोग पूरा देश का पूरा संस्थान चला रहे हैं, मतलब हाईजेक कर रखे हैं, यही हुआ ना। ये तमाम सवाल है, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं जंतर मंतर पे। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने इनको पहली बार देखा था तो मुझे लगा ये आ रहे होंगे, लेकिन ये आज पहली बार आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब विश्व पटल पे जो महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं उनके साथ जब ये हाल है, उनका ये हाल है, तो हमारे या आपके जैसी आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा? सवाल वही है, जवाब आप लोगों का अगर आप लोगों को देना है, आपकी राय अगर देनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक तरफ मोदी जी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ बेटियों की ये हाल है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।